हाय गाइस, साक्षी दास कहती हैं कि सर मेरे से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करी वो नहीं होती। बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मैं भी जब क्लास 11th 12th में था मेरे से भी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते थे। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? उसको प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करो। कोई भी आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हो उसका सोल्यूशन देखो, उसको समझो कि वो कैसे हुआ है। फिर दूसरा प्रॉब्लम करो और उसका सोल्यूशन देखो। कोई भी क्वेश्चन हमेशा ईजी लेवल करो, पहले मीडियम फिर हार्ड करना चाहिए। ठीक है, एंड यस गाइज, ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मत करो जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। और आजकल तो बहुत सारी ऐप है, इवन वेदांतु में डाउट सॉल्विंग ऐप्स होती हैं, तो वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो हारो मत। इट इज जस्ट कि आपको डिफिकल्टी हो रही है, इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट तो गिव मोर टाइम टू फिजिक्स, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ईजी से सॉल्व करो, है ना। और जो क्वेश्चन होते नहीं है उनको टीचर से पूछो, डाउट ऐप्स पे डालो एंड यू विल गेट अ आंसर। एंड ट्रस्ट मी, स्लोली एंड स्टडीली यू विल डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग इट। ओके, कीप स्माइलिंग।